औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर के गांव धन्नड़ की बेटी भारती मासरे ने एमपीपीएससी की परीक्षा 2019 में दी थी, जहां उन्होंने प्रथम प्रयास में परीक्षा क्लियर की थी और पीतमपुर सहित आसपास के गांव और माता पिता का नाम रोशन किया है। रघुनाथ मासरे की बेटी भारती मासरे आबकारी उप निरीक्षक की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुई है। भारती मासरे को आबकारी उप निरीक्षक बनने पर गांव धन्नड़ में भारती मासरे को पुष्पमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। मैं भारती मासरे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा दी, अब रिजल्ट आने पर मैंने आबकारी उप निरीक्षक की पोस्ट हासिल की है। भारती के माता पिता एक कारखाने में मजदूरी करते हैं और भारती के प्रारंभिक शिक्षा पंधाना में हुई। उसके बाद भारती ने छात्रावास में रहकर हाई स्कूल पूरा किया। पीतमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। बताइए, आज ये स्वागत हो रहा है, किस विषय पे हो रहा है? सर, मेरा नाम भारती मासरे है। मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा दी थी, उसका रिजल्ट अभी 27 तारीख को आया है, जिसमें मैंने आबकारी उपनिरीक्षक का पद प्राप्त किया है। इसलिए सर मेरा स्वागत समारोह किया जा रहा है। कितना समय लगा आपको पढ़ाई करना? सर, मैंने 19 में ही तैयारी की थी, मेरा प्रथम प्रयास है, लेकिन इसका रिजल्ट 4 साल बाद आया। आपका नाम? मेरा नाम भारती मासरे है। बताइए, धन्नड़ भगत सिंह बस्ती में स्वागत किया जा रहा है, किस विषय किया जा रहा है? स्वागत इसलिए किया गया कि हमारे बेटी ने आज भगत सिंह बस्ती का नाम रोशन किया है, इसलिए पूरे नगर के वासियों ने चौराहे पर जाकर और बेटी का भव्य स्वागत किया गया और उनको पैदल मार्ग निकाल के और दिया बत्ती से मंदिर में आरती पूजा करके उनका माथे पर तिलक लगा के उनका भव्य स्वागत किया, हर माला दी और प्रभु श्री राम की एक फोटो फ्रेम देके उनका भव्य स्वागत किया। नगरवासी बड़े उत्साह और खुशी और प्रशंसित है, क्योंकि आज किसी बेटी ने भगत सिंह बस्ती का नाम रोशन किया। आपका नाम बता दें? करण सिंह ठाकुर, भगत सिंह बस्ती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।